guys, welcome or welcome back to my channel. This is Madhvi and today I am unboxing my purple.com haul. मैं आज अनबॉक्स करने वाली हूँ. हालांकि मैंने ओपन करके प्रोडक्ट चेक कर लिए हैं तो मैं आपके साथ एक वीडियो बनाने वाली हूँ. टुडे आई हैव रिसीव्ड माय कूरियर और मैं आपके साथ एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पर्पल से कौन से प्रोडक्ट बनाए हैं. ये मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं पर्पल से. मैं रिसीव हुआ है ये, मुझे अच्छी पैकेजिंग है, मैंने खोल के देख ली है. ये बॉक्स में है और इसमें ये बहुत सारे इससे रैप किए हुए थे, बबल प्लास्टिक से रैप कर रहे थे. सारे प्रोडक्ट बहुत ही सेफ थे, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी. सो पैकेजिंग के लिए तो A1 है. और मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि मैंने कौन से प्रोडक्ट मंगाए हैं पर्पल से. सो चलिए देखते हैं. माई फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रांड NYP. ये NYP का काजल है. ये इतना शॉर्ट है, बहुत ही छोटा लगा मुझे. इसकी MRP है 90 एंड दिस इज 0.25 ग्राम. ये लेंथ है, ये काजल है. ये मैंने ट्राई नहीं किया है ये ब्रांड कभी. सो ये मेरा काजल है. नेक्स्ट प्रोडक्ट है NYP का ही ब्रांड है, डैट इज प्राइमर. इसकी MRP 185 है. इसकी ये लेंथ है, इसको भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया है. मैंने प्राइमर ही कभी ट्राई नहीं किया है तो मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना एक प्राइमर ट्राई किया जाए. सो ये मेरा सेकंड प्रोडक्ट है सेम ब्रांड की CC क्रीम. ये मुझे ऑफ़र में मिली है. ये कुछ ऑफ़र चल रहा था इसमें, इसकी ऑफ़र में मुझे ये एज अ गिफ्ट रिसीव हुई है. ये 27 ग्राम की है, 1.5 रुपीज़. एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है मस्करा, दैट इज स्वीट वन कर्ल मस्करा. ये ब्रांड बेला वस्टा से है. ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है. सो ये है 349 रुपीज़ की. ये मुझे शायद कुछ ऑफ़र में मिली है. और इसके ग्राम है ये 9 ml की है. सो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लग रही है. इसकी पैकेजिंग ये है. सो आप इसका ब्रांड नेम देख सकते हो, ये सामने शायद आपको दिख रही है. और कर्ल है, ये आपके लैशेस को थोड़ा कर्ल कर लेंगे. और इसकी पैकेजिंग बहुत ही क्यूट है, मुझे अच्छी लग रही है. अच्छा ही है सब. इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत ही क्यूट लगी. और इसका ये ऐसे ओपन होती है, यहाँ से ये फिर ये खुलती है. ये लॉक सिस्टम है. इसकी ब्रश ऐसी है, काफ़ी कर्ल हो जाएगी लैशेस. तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है. देखते हैं इसको ट्राई करके कि कैसी लेंथ और कैसी थिकनेस देती है. और ये ऐसे सामने से लॉक भी हो जाए. नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये कॉम्पैक्ट बॉक्स, दैट इज मैट फिनिश फ्रॉम द ब्रांड फेस कैनाडा. ये मेरा ये SPF 20 है प्लस बहुत ही वेटलेस पाउडर है. सो मैं इसको देखती हूँ अंदर से कैसा है इसका पैकेजिंग. इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ये ऐसे दिखती है. और इसका वाव, इसका पैकेजिंग बहुत ही सुंदर लग रहा है. ये रहा मैट का कॉम्पैक्ट. ये मैट कॉम्पैक्ट है. इसको ये रहा इसका बहुत ही अमेजिंग पैकेजिंग. प्रोडक्ट भी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर ये प्लास्टिक भी है, ये बहुत अच्छा है. इसकी प्राइस है 199 रुपीज़ और ये 9 ग्राम की है. सो ये बहुत ही अमेजिंग पैकेजिंग है और इसका ब्रांड तो आप जानते ही, बहुत अच्छी है. अब मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये फ्रॉम SQ. ये मेरा ये है मेकअप रिमूवर. ये बिल्कुल ऐसे दिख रही है. इसकी रेट है 180 रुपीज़ और ये 100 ml की है. सो ये मेकअप रिमूवर है. मुझे मालूम नहीं कि इसका क्या क्वालिटी है, मैं आपको ज़रूर इसका रिव्यू दे दूँगी. सो इसको एक बार यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कैसा है. मुझे लग रहा है कि ये वॉल है और काफ़ी अच्छी भी होगी. सो
ये मेरा एक प्रोडक्ट, अगेन द सेम प्रोडक्ट से ही मेरा एक आईलाइनर भी है। ये आईलाइनर 6 ml की है और इसकी रेट इसमें नहीं है, मैं आपको कहीं पे अपनी रेट बता दूंगी जो मुझे डिस्काउंट में मिली है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। फ्रॉम द ब्रांड गुड वाइब्स, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इसे यूज़ करने का, ये बहुत ही मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत अच्छी रेटिंग देखी है। ये बहुत ही यू नो नेचुरल प्रोडक्ट से बनी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे इन्ग्रीडियंट्स डले हुए नेचुरली। सो मैंने इसका मैंने मंगवाया है सैफ्रॉन नरिशिंग डे क्रीम। प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है, इसका डे क्रीम है और ये 50 ग्राम की है और इसकी रेट है 225 rupees। अब गुड वाइब से मैंने एक और मंगवाया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल तो सबको चाहिए घर में, तो मैंने गुड वाइब से ही ट्राई किया। इसकी MRP है 175 rupees और ये भी 50 ग्राम की ही है। अगेन मैंने गुड वाइब से मंगवाया है एक टोनर, ये नीम एंड तुलसी ग्लोइंग टोनर है। ये टोनर भी मुझे ट्राई करनी थी काफ़ी टाइम से। सो एक टोनर है जो हमें अपने स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। सो ये भी एक टोनर है जो 120 ml की है और इसकी प्राइस है 195 rupees। मुझे कुछ डिस्काउंट्स में मिले हैं तो मैं आपको दिखा दूंगी। प्रोडक्ट है गुड वाइब से ही फेस सीरम, ये आपको दिख रहा है पैकेजिंग, ये फेस सीरम है। ये भी मैंने गुड वाइब से मंगवाया है रोज सिरप्स का। सो बॉटल आपको दिखाती हूँ अंदर से। इसकी MRP है 215 rupees और ये ग्राम है 10 ml की, सॉरी ग्राम नहीं ml है। तो इसका जो सीरम है वो कुछ ऐसे है, ये ऐसे पैक्ड होकर आई है, ये इतनी बॉटल है। देखकर तो अच्छी लग रही है, रोज़ की है तो इसके अच्छे फ्रेग्रेंस आएंगे। सो ये बॉटल है और इसका ये यू नो गुड वाइब के प्रोडक्ट्स हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम परचेस किए हैं और मैं इसे पहली बार ही यूज़ करने वाली हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपको इसके रिव्यू बताऊँगी। 1 week यूज़ कर लेती हूँ, सब अप्लाई करके देखती हूँ कि कैसा प्रोडक्ट है। बहुत अच्छे इसके रिव्यूज़ मुझे सुनने को मिले हैं, तो स्किन पे मेरी स्किन पे कैसे इसके इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, तो मैं 1 week तक इसे यूज़ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कैसी स्किन में मेरी ग्लोइंग मरेंगे।